देश में सरकारी अस्पतालों के हालात से तो हम सब वाकिफ हैं। बेड की कमी, दवाई खत्म, मशीन का ना होना, पर हालात इतने खराब हो गए कि 24 घंटे में 24 लोगों की मौत हो गई और कुछ ही देर बाद 7 और मरीजों की मौत की खबर सामने आई और मरने वालों की संख्या बढ़ती ही चली जा रही है। पर सवाल यही उठता है कि इन मौतों का जिम्मेदार कौन है, किसकी लापरवाही की सजा इन 31 लोगों ने भुगती है। चलिए इस वीडियो में हम इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने लोकमत हिंदी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें ताकि इस तरीके के निष्पक्ष खबरें हम आप तक आसानी से पहुंचा सकें। महाराष्ट्र के नांदेड़ में शंकर राव चौहान सरकारी अस्पताल में लगातार मरीजों की मौत का आंकड़ा बढ़ता ही चला जा रहा है। परिजनों का कहना है कि इस अस्पताल में दवाइयां उपलब्ध नहीं हैं और अस्पताल वाले बाहर से दवाई लाने और बाहर ही चेकअप कराने को कह रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब सरकारी अस्पताल की खस्ता हालात की वजह से मासूमों की जान गई है। इससे पहले छत्रपति संभाजीनगर के घाटी अस्पताल में भी मौत का तांडव देखने को मिला। यहाँ 2 नवजात समेत 14 लोगों की मौत का मामला सामने आया। घाटी अस्पताल में दवा की कमी बताई गई। सोमवार को यहां सिर्फ 15 दिनों की दवा की सप्लाई बची थी। ऐसे में मरीजों के परिजन दवा के लिए हाथों में दवा की पर्चियां लेकर यहां वहां भटकते नजर आ रहे थे। मेरे मामू लेके आया मेरे मामू को यहां पे जो है लापरवाही इतनी है कि यहां पे जो है डॉक्टर बोल रहे कि भाई यहां पे अभी अवेलेबल है, उनको अंदर पस भर गया। वो हमको नांदेड़ के बड़ा डॉक्टर ने यहाँ पे भेजा कि जाओ यहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर गवर्नमेंट हॉस्पिटल सिविल हॉस्पिटल में जाओ। हम यहाँ पे आए, यहाँ पे हमको जो है घुमा रहे यहाँ पे, वो डॉक्टर के पास जाओ, कोई बड़ा इधर जाओ, और वहाँ पे यहाँ एक सिटी स्कैन के मशीन के ऊपर हमारा बहुत बड़ा लोन है, हमारा बहुत उस पर खर्चा देना है बोल रहे, अभी हम कर नहीं सकते 65 लाख। डॉक्टरों के अनुसार घाटी अस्पताल में कई मरीज इलाज के लिए काफी देर से भर्ती होते हैं, ऐसे में मृत्यु दर बढ़ रही है। कुछ लोगों का कहना है कि मौत का कारण दवा की लगातार कमी है। वहीं अब सरकारी अस्पताल में मासूमों की मौत पर राजनीति भी गरमा रही है। कांग्रेस ने नांदेड़ के सरकारी अस्पताल में कई घंटों में 24 मौतों पर भाजपा सरकार की आलोचना की। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार प्रचार पर करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन बच्चों की दवाओं पर कोई पैसा खर्च नहीं किया जाता है। दूसरी ओर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजे की मांग की। पर सवाल वही कि इन मौतों का जिम्मेदार कौन? प्रशासन, जो सरकारी अस्पतालों में जरूरी सामान दवाई उपलब्ध नहीं करा पा रहा है, या डॉक्टर की कमी, या खुद वो मरीज जो सरकारी अस्पताल में इलाज कराने आ रहे हैं? आपको क्या लगता है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही वीडियोस के लिए लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करें।